सो गाइस, 12th क्वेश्चन आपके सामने है कि गिटार है। गिटार तो आप सभी ने देखे हो, गिटार में दो तार लगे हुए हैं। गिटार में काफी सारे तार होते हैं, उनमें कोई दो तार ले लिए, ए और बी। ए और बी हैं और वो किससे बने हुए हैं? सेम मटेरियल के बने हुए हैं। जब उनमें स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून हो जाते हैं, वो आउट ऑफ ट्यून यानी दोनों में अलग अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाती है, तो उस कारण उनकी जो प्रोड्यूस बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी जो उनकी जो ए और बी में फ्रीक्वेंसी हुई है उसमें बीट फ्रीक्वेंसी होती है, दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, यानी फ्रीक्वेंसी ए और फ्रीक्वेंसी बी दोनों में अलग अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट होंगी, तो उनके बीच का डिफरेंस है वो क्या दे रखा है हमारे पास? 6 हर्ट्ज दे रखा है। तो एक बार यहां तक पढ़ लिया, ये लिख लेते हैं। तो एफ ए मैंने जो है तार वन की मान ली, एफ ए फ्रीक्वेंसी और उसकी एफ बी मान हुआ, तो एफ ए माइनस एफ बी इक्वल्स टू 6 हर्ट्ज है ना। आप सोचेंगे एफ ए माइनस एफ बी क्यों लिखा, एफ बी माइनस एफ बी, एफ ए बी तो लिख सकते हो ना, क्योंकि दो का जो बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दो फ्रीक्वेंसियों का डिफरेंस होता है। अब ऐसे थोड़ी है ए और बी का डिफरेंस है अभी और ए का, तो हम दोनों मान के चलेंगे। तो अभी हम आगे एक को एलिमिनेट करेंगे, तो एफ बी माइनस एफ ए इक्वल्स टू 6 हर्ट्ज, ये भी हो सकता है क्योंकि बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 दे रखी है, तो ये भी हो सकता है हमारे पास, ये भी हो सकता है। अब आगे पढ़ते हैं, व्हेन टेंशन इन बी इज स्लाइटली डिक्रीज्ड, यानी बी में अगर तनाव क्या, टेंशन यानी तनाव, उसमें जो रस्सी कसी हुई है ना, कसाव थोड़ा कम कर देते हैं, क्या करते हैं, स्लाइटली डिक्रीज यानी कम कर देते हैं, तब बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, यानी जो फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस है वो बढ़ जाता है। यानी आप बताओ कि जो बी है, बी के तार में तनाव कम कर देंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी या ज्यादा होगी? ऑब्वियसली कम होगी ना, क्योंकि जितना ज्यादा टाइट होगा, जितना ज्यादा तनाव होगा, उतना ही ज्यादा वो ज्यादा साउंड करेगा और ज्यादा फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। अब आप देख लो इसमें टेंशन क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, टेंशन कम करने के बाद यानी बी में टेंशन कम करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली कम होगी ना, टेंशन कम होगी, यानी इसमें सीधे सीधे कहना चाहता है कि जो बी है, बी की फ्रीक्वेंसी कम करने के बाद बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यानी उनके बीच का डिफरेंस बढ़ जाता है। तो कब हो सकता है, आप देखो दोनों में, अगर मैं इसमें वैल्यू बढ़ाऊं, सॉरी कम हो रही है ना, तो इसमें वैल्यू कम करूंगा तो आप सोच लो बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए। सोचो जैसे मान, चलो इसकी मान ली मैंने एक्स मान ली, अब इसमें मैंने कम की, इसमें घटाने वाली, ये क्या है, बी है घट रही है, क्या हो रही है, घट रही है। अब मैं घटाने वाली वैल्यू को कम करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू टोटल, सॉरी गाइस, यानी एक बार और रिपीट करते हैं कि यानी इसमें टेंशन कम कर रहे हैं, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं कम कर रहे हैं, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी का अंतर है ना वो बढ़ रहा है, वो क्या हो रहा है, 7 हर्ट्ज हो रहा है, यानी 6 से 7 हो रहा है, बढ़ रहा है। कब बढ़ सकता है, कब बढ़ सकता है, आप सोचो, अगर मैं देखो इसमें इस एग्जांपल इसको देखता हूं, अगर इसमें से इसकी वैल्यू कम करूंगा, इसकी वैल्यू कम करूंगा तो टोटल ओवरऑल इसकी वैल्यू तो कम होनी है ना, क्योंकि मान के चलो इसकी कितनी है, 7 हर्ट्ज मान ली मैंने, और इसकी मान के चलो मैंने 6 मान ली है ना, 6 मान ली, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब मैंने मान के चलो इसकी घटा के कम कर दी, इसकी घटा के मैंने 6.5 कर दी, 6.5 कर दी, उसकी 6 तो 0.5, तो इनके बीच, तो देखो पहले तो बीट फ्रीक्वेंसी 1 आ रही थी, अब बीट फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 0.5 है, यानी कम हो गई, लेकिन हमें दे रखा है कि बढ़नी चाहिए बीट फ्रीक्वेंसी, बढ़नी चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू कम करने के बाद इनका जो अंतर है, इनका जो अंतर है वो कम हो रहा है, लेकिन इसमें उल्टा होगा, इसमें बढ़ेगा। इसका एग्जांपल लेते हैं, इसमें इसकी मैंने 7 मान ली, इसकी मैंने मान ली 6 मान ली बी की। अब देखो इसमें मुझे दे रखा है कि टेंशन इन बी इज स्लाइटली डिक्रीज, बी डिक्रीज करे यानी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करे, तो मैंने इसकी 5 मान ली, अब बी की 5 मान ली, तो 7 - 5 = 2, और इसमें कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, देखो बढ़ गई ना, और इसमें बढ़ी हुई बता रहे, यानी बाद में घटाने के बाद इसकी बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। और इसमें भी देखो इस वाले फॉर्मूले में भी अगर हम यही चीज अप्लाई करते हैं तो भी ये बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो हम कह सकते हैं कि एफ ई माइनस एफ बी इज द राइट फॉर्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन, बस ये हम आंसर लगा देंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करके बताइए, चलो एक बार और रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि दे रखा है कि एफ बी की वैल्यू हम क्या करें, कम कर रहे हैं, तो इनके बीच का डिफरेंस बढ़ रहा है, इनके बीच का डिफरेंस बढ़ रहा है, तो आप खुद ही सोच सकते हो भाई यार यही फॉर्मूला होगा ना, इसकी वैल्यू कम करेंगे यानी किसी चीज को कम घटाएंगे, यानी घटने वाली चीज है ना, माइनस आ रहा है, घटने वाली चीज है, किसी चीज को कम घटाएंगे क्या करेंगे, कम घटाएंगे, तो उनका जो डिफरेंस है वो ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा ना। जैसे मान के चलो मैं कहां गया तो मैंने एक तो 20 किलो आलू खरीदे और 20 रुपए के आलू खरीदे सॉरी और 40 रुपए के केले खरीदे ना, और बाद में जाके इनका डिफरेंस कितना हुआ, 40 - 20 = 20। अब मैंने जो 20 किलो आलू खरीदे, घटने वाली क्या थी, आलू थे, मैंने आलू घटाए हैं 20 रुपए, 40 - 20 घटा दी, अब मैंने आलू की वैल्यू कम कर दी, 15 कर दी, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या हो गया, बढ़ गया, क्या हो गया, 40 - 15 = 25 हो गया। यानी इसका मतलब है कि जो घटाने वाली चीज कम हो गया ना, तो जो घटाने वाली चीज है
ये घटने वाली चीज उसकी कम वैल्यू कम करेंगे तो ऑब्वियसली डिफरेंस बढ़ जाएगा उनके बीच में, आप लॉजिकली सोच सकते हो। तो बस बेसिकली एफ ए हमारे पास ये दे रखा है इस फॉर्मूले में, तो 530 माइनस एफ वी हमें फाइंड करना है बराबर 6, सो इससे वैल्यू आएगी एफ वी बराबर 530 माइनस 6 दैट इज 524 हर्ट्ज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बेसिकली मेरा मोटिव था कि भाई कैसे अप्लाई करें, बस ऐसा ही आता है सिंपल फॉर्मूला हमें दे रखा है, या तो ये होगा या दूसरा होगा, बस हमें देखना है कि भाई कौन सा पॉसिबल हो सकता है, उसके लिए अगली कंडीशन देख के मैं वो यूज करना पड़ेगा।